छोटे बिग बॉस का 55वां दिन। तो गाइस स्वागत है फिर से आपका छोटा बिग बॉस सीजन 2 के फिनाले वीक में। एंड कल फिनाले आप सभी को पता है, और कुणाल तो बेसब्री से वेट कर रहे हैं और आप भी बेसब्री से वेट कर रहे हैं। कुणाल वेट है कल का? बहुत ज्यादा वेट है और थोड़ा घबराहट सी हो रही है। गाइस कल आपको कुणाल के पेरेंट्स से मिलकर, घर वालों से मिलकर कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, संजय को या फिर कुणाल को? संजय कहां गया आज? वो कल मैं था ना के कल कुणाल आए थे, तो आज संजय अपनी पूरी फैमिली को लेके आएंगे, पेरेंट्स के साथ आएंगे, सास सारे सभी लोग साथ आएंगे। मैं तो यहाँ पे मेरे जॉब पर हूँ, ड्यूटी कर रहा हूँ ना, तो मैं यहीं पे हूँ, वो आएंगे सभी के सभी। तो वेट कर रहे हो आप? हाँ वेट कर रहे हैं। गाइस आप भी वेट कर रहे हो, संजय अपनी फैमिली के साथ आ रहा है, तो आज ये वेलकम है संजय की फैमिली, आज ये कमांड से बोल रहे कि जीत के आएगा ना तभी बोलूंगा मैं संजय से। तो गाइस अभी मैं मिलाता हूँ आप सभी को संजय की फैमिली से, तो आ जाइए। सबसे पहले ये संजय, आप तो जानते हो संजय फिनाले में है कुणाल के साथ, ये दोनों फाइनलिस्ट है। एंड पापा जी, पापा जी से मिलिए, क्या नाम पापा जी, नाम बताइए। मोहनलाल नायक। और मम्मी जी? संतरा, संतरा देवी। और फिर बाद में मैं हूँ, मुझे जानते हो। एंड ये मुकेश, जानते हो क्या गाइस, मैं से छोटा भाई है संजय से बड़ा, और संजय को जानते हो। और मुझे तो जानते ही हो। कविता जानते हो, कविता क्योंकि सीजन 2 में भी थी, आप तो अच्छे जानते होंगे, थोड़े दिन लास्ट साइड 2-3 वीक पहले ही आउट हुई थी। रियाज क्या कर रहे हो, 2-3 वीक पहले आउट हुई थी। और सोनम जानते ही हो, और ये मुकेश की वाइफ मनीषा, सभी जानते हो आप, शादी का व्लॉग देखा होगा ना, तो अच्छे जान गए होंगे सभी। तो गाइस अभी वन बाय वन सभी को बुलाऊंगा, एंड उनकी क्या प्लानिंग है फाइनल को लेकर, फाइनल में संजय को क्या गाइड किया है, क्या नहीं गाइड किया है, कि फाइनल तुझे जीत के आना है या फिर नहीं जीत के आएगा। पहले सबसे पहले बुलाते हैं पापा जी, आज ही पापा जी, आज ही संजय आप जी। आपको पता है संजय छोटा बिग बॉस सीजन 2 के फाइनल में पहुंचा है, और कल संडे है, संडे को फाइनल होगा। कल ट्रॉफी संजय या कुणाल के हाथ में से किसी एक की होगी, तो बताइए संजय के बारे में क्या ख्याल है? ये तो इनके ऊपर निर्भर है, मैं ये नहीं कहता कि संजय ही विनर बने, ये भी अच्छा खेलता है, तो जरूरी नहीं कि संजय विनर हो, तो जो कुछ जो अच्छा खेलेगा वही विनर होगा। और इसमें मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि आपने एक जो निर्णय लिया है, जो वोटिंग होल वाला, वो बहुत अच्छा निर्णय लिया है, जिसमें क्योंकि जिसे जैसे पायल हुई, इशू हुए, इनके फेल बहुत है, वो ये नहीं देखते, वोटिंग नहीं देखते, वो यही देखते हैं कि क्या नाम से ये हमारा फैन है, बस आँख बंद करके वो वोटिंग दे दी है। इसलिए आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, और जो नए बच्चे आए थे वो भी अच्छा खेल खेले थे, लेकिन वो इसलिए बाहर हो गए कि उनका ये ग्राउंड नया था, इन बच्चों का ये ग्राउंड पुराना है, ये उनके ऊपर प्रेशर होता है। हाँ तो इसलिए स्टार्टिंग में वोटिंग पोल रहा, फिर मैंने पहले डिसाइड कर दिया था टॉप 5 एंड टॉप 6 में अपन वोटिंग पोल हटा देंगे। वोटिंग पोल हटने के बाद पायल इशू, जैसे ही वोटिंग पोल हटा पायल इशू बाहर हो गए, वरना आज इनकी जगह इशू और पायल होती। हाँ इशू और पायल होती, ये डेफिनेट है। इसलिए मैंने पहले वोटिंग पोल हटा दिया था, मैं उनको वार्न भी कर रहा था, और हर वीडियो में सैटरडे या फिर फ्राइडे सैटरडे संडे को तीनों दिन बोलता था कि गाइस गेम के अकॉर्डिंग वोट कीजिए, गेम के अकॉर्डिंग वोट कीजिए। आपने गेम के अकॉर्डिंग वोट नहीं दिया, तो मैंने सोचा आप सुधरोगे नहीं, तो मुझे कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, मुझे कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। तो मैंने डिसीजन लिया कि
वोटिंग पोल को हटाया जाए, जो गेम में सही खेलेगा वो रह जाएगा, जो गेम में नहीं खेलेगा वो चला जाएगा। तो जो नए बच्चे आते हैं उनके बारे में भी कहना चाहते हैं, जैसे एक मंडला से आया था सुमित करके, उसने भी अच्छा खेला, तीन बच्चे और नए थे सरदार से, सभी ने अच्छा खेला। उनका बाहर होने का रीजन यही था कि वो प्रेशर था, तो अगले सीजन में दोबारा उनको अगर सुनते हो तो दोबारा चांस मिले तो उनको जरूर बताएंगे। संजय को आप क्या गाइड करना चाहोगे खेल के लिए? संजय को यही कह रहा हूँ, अगर इनमें टैलेंट है तो विनर है, वरना ये कम नहीं है बच्चा। अच्छा खेलता है, अच्छा खेलता है, और अगर कल पता चल जाएगा, देखो ये हम कह नहीं सकते कि मैं ये कर दूँ ये जीत जाए। संजय का आपको आपने पूरा सीजन देखा है? सीजन पूरा देखा है, ये इसमें टैलेंट नहीं है। संजय का गेम कहाँ पे अच्छा नहीं लगा, कहाँ पे क्या? एक तो ये कम बोलता है, 100 में जितना बोलेगा उतना ही वो भी नहीं लगेगा। और गेम कौन सा सही नहीं लगा? ये फाइनल, हाँ गेम कौन सा सही नहीं लगा? ये फाइनल तक पहुँच गए, यही मैं तो बहुत अच्छा समझता हूँ यहाँ। नहीं, गेम कौन सा सही नहीं लगा आपको समझ का? ये बोलता बहुत कम है। गेम सही कौन सा नहीं? गेम तो सारे अच्छे करता हूँ, गेम खेलता है लेकिन बोलता कम है। स्टूडियो में आकर के इतना बोलना, कम बोलना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा इंजॉय करना भी करना चाहिए, थोड़ा बच्चों के साथ बोलना भी चाहिए, लेकिन ये कम बोलता है, ये घर में भी कम बोलता है। क्यों नहीं बोलते आप, नर्वस होते हो यार? नहीं, नर्वस तो नहीं होता, लेकिन बस ऐसे ही। ऐसे क्यों? बोलना चाहिए क्यों नहीं बोलते? चलो जो नए बच्चे थे वो तो उनके ऊपर प्रेशर था, स्टूडियो का प्रेशर था कि नए बच्चे थे वो बाहर हो गए, लेकिन अब तो आपको तो यहाँ ये ग्राउंड आपका खुद का है, 4 साल आप हो गए इस ग्राउंड में, इस फील्ड में, क्यों नहीं बोलते? चलो कोई बात नहीं। कल के बारे में क्या कहना? कल के बारे में बहुत एक्साइटेड हैं, और संडे को संजय विनर होगा। और क्या बात है, तो आपको कितनी खुशी है कि संजय फाइनल में पहुंचा है? पहुंच गया फाइनल में पहुंच गया, फाइनल में तो पहुंच ही गया, फाइनल में पहुंच गया। जब विनर होगा तो जीतेगा भी, तब डीजे बजेगा, पहले नहीं बजेगा कुछ भी, अभी ढोलक लेके आया ना बच्चे ने, मना कर दिया था हमने, ढोलक मत बजाना, जीतने के बाद बजाएंगे। नहीं, खुशी तो होती है फाइनल तक, फाइनल तक आने का यहाँ तो लोग पहुंच नहीं पाते, मैंने आपको कोई एक वीक रुक के चले जाते हैं, और इस उपाय तो कल परसों आउट हुए थे, उससे पहले पूनम मानवी और ये पूनम, इनके फाइनल में पहुंचना कोई आम बात नहीं, फाइनल में हर कोई नहीं पहुंच सकता, तो ये भी जश्न का मामला है। हाँ, तो पहले मैं बोल चुका हूँ कि यहाँ तक पहुँचा वो भी बहुत अच्छी बात है। तो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, तो मम्मी आप आइए। आपका क्या कहना है संजय के बारे में, कैसा लगा गेम आपको? गेम तो बढ़िया लग रही है। हाँ, गेम तो बढ़िया लग रही है। कौन सा गेम सही नहीं लगा? गेम में तो सबसे सही है, बोल दी कमा। क्यों बोलता है? आपको तो पता होगा ना? नहीं तो कंगन मन को नहीं पता। आप तो मां हो ना, मां को तो सब कुछ पता होता है। क्या लगता है कल संजय जीतेगा या हारेगा? वो तो भगवान पर ही भरोसा। आपको क्या लगता है? नहीं, वो तो जीतेगा। कुछ मन का इसको जीतने का। आपको क्या लगता है? विश्वास तो ये है विजित के आवर। अरे भगवान पर भरोसा। आपने सोचा था कि विश्वास नहीं मम्मी तेरे में? विश्वास तो है, प्रदीप क्या हो रहा था? आपने फाइनल तक कुछ बेहतर विश्वास है। आपने सोचा था कि संजय फाइनल में पहुंच जाएगा? नहीं, इतना तो कौन सा? क्यों? मम्मी को पता था कि वोटिंग में जाएगा तो बाहर हो जाएगा संजय। आपने क्यों नहीं सोचा था ये बताइए? ये दूसरी बार गेम हो रहे हो, पहली बार ही गलती हो रही है, चले गए तो आपको चेक नहीं पूछा। फिर भी आपके माइंड में कभी तो आया होगा कि संजय फाइनल में जा सकता है, ये कभी नहीं है? नहीं, तो अभी फाइनल में आ गया तो खुशी बताइए। खुशी तो खूब हो रही है, फाइनल में आया तो बहुत ज्यादा खुशी। तो ऑडियंस को कुछ बोलना चाहोगे खुशी में? मैं तो यही कहूँ संजय को जिताओ, और बैठो तो वो भी बैठो, ये रिवर तो बैठो है, पर जीता तो एक ही दोनों। हाँ, जीतेगा तो एक दोनों में से, जो अच्छा खेलेगा वो अच्छे खेलो, वो जीत जाओ। सही है, और कुछ कहना चाहते हो? तो थोड़ा सा कोई डांस वांस संजय फाइनल में पहुंचा है। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। तो गाइज, आपने पापा जी का और मम्मी का
रिव्यू देख लिया संजय के बारे में कि संजय कम बोलता है, तो आपको पता है संजय कम बोलता है, ये इसको सोचना चाहिए कम क्यों बोल रहा हूँ, इसमें इम्प्रूव करना चाहिए। तो मम्मी बैठ जाइए, तो थैंक यू सो मच। तो अभी नेक्स्ट मुकेश, तो मुकेश और आपकी वाइफ मनीष सर होना चाहिए। संजय यहाँ तक पहुँचा है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई 7 days रुका है, कोई 15, कोई मैंने आपसे पूछा नहीं पहले नहीं पूछने की क्या बात है मैं बोलूँगा तभी तो बोलूँगा ना नहीं मेरे जो मैंने फीलिंग है तो वो तो चैट रूम में पहले मैं बोलूँगा ना, फिर उसके बाद तो बोलूँगा। मैंने आपको खड़ा किया तो आप मुझे थैंक यू बोला, आपने मुझे इन्वाइट किया मैं इन्वाइट किसने किया इन्वाइट मैंने कहा पहले मुझे थैंक यू बोला मुझे तो बोलने दो बात तो आपसे हुए। आपकी वाइफ पहले डिसाइड किया था कि अपन दोनों सेम ड्रेस पहन जाएंगे? आपको कैसे पता? आपने बातें सुनी थी क्या? आपने आपके बारे में पता है, इनके बारे में पता है, क्या पता है इसे मिलजुल के यहाँ अपन ऐसा पहना अपन जैसा पहना। अच्छा मम्मी आपको पता है क्या इन्होंने पहले डिसाइड किया ये कौन सा कलर है? कलर कोई सा भी हो चलेगा क्या? हाँ कि कलर का पहनते हैं, ऐसे डिसाइड किया कि सेम कलर का पहनेंगे, है ना? तो चलो दोनों पहले डिस्कस करते हैं कहाँ कहीं जाने से पहले कि अपन ये पहन के जाएंगे और मैं तुम ये पहन लेना मैं ये पहन लूंगा, है ना? तो गाइस इनके अभी आज से 2-3 महीने पहले शादी हुई है, तो इनको पहले तो आप कांग्रेचुलेशन बोलो नीचे कमेंट में। और अब आता हूँ मैं गेम पर, तो पहले तो अपनी फीलिंग्स बताइए। संजय छोटा बिग बॉस सीजन 2 के फिनाले में पहुंचा है, मेरी फीलिंग ये है कि संजय अच्छा खेल रहा है, लगभग सारे चैलेंज जीते हैं और जो टीम मेंबर उनको भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है, इसके कारण टीम जीती भी है। और बोलने का यह कि किसी में किस बोलने का टैलेंट होता है, बोलने वाला कुछ कर नहीं पाता लेकिन जो नहीं बोलता है वो कर भी जाता है। बोलने का यह कि भाई गेम अच्छा खेलता है तो उसके अकॉर्डिंग गेम के अकॉर्डिंग जज करो, आप कमेंट करो कि अच्छा खेलता है उसके अकॉर्डिंग वोटिंग करो। और ये बात सही अच्छा लगा मेरे को, छोटा बिग बॉस ने वोटिंग पोल हटा दिया, वोटिंग पोल हटाने के बाद इनका मतलब ऐसे हो गया कि हम भी जीत सकते हैं। हाँ। और अभी तक मेरे को 3 प्लेयर का सबसे गेम बेस्ट लगा अभी तक। किसका किसका? एक तो इशू का गेम बहुत अच्छा लगा, इस गेम नहीं मतलब जो एक्टिविटी जो इंटरटेनमेंट करती थी बोलती थी, मतलब लॉजिक के साथ बोलती थी, किसी को अच्छा लगा किसी को नहीं लगा लेकिन लॉजिक के साथ नहीं नहीं सही सही बोलती थी। और गेम में एक्टिविटी दिखती थी कि इशू है, इशू है, एक्टिविटी एक्टिविटी करती रहती थी। कुणाल भी गेम में अच्छा खेलता था, वो एक सुमित है, सुमित का गेम भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, सुमित ना सुमित जो भी है आर्गुमेंट करता था लेकिन उससे क्या इंटरटेनमेंट होते थे, उसका गेम लगभग अच्छा ही था, गेम अच्छा नहीं था लेकिन जो मूवमेंट करते थे ना गेम अच्छा था, इतना नॉर्मल था, एवरेज था। हाँ गेम ठीक था, स्टार्टिंग के वीक तो वो हार ही रहा था, गेम ठीक था। और तीसरा है कुणाल का, कुणाल का गेम सच्ची में बहुत अच्छा लगा दिल से, लेकिन सपोर्ट भाई को कर रहा हूँ नहीं दोनों अच्छे खेल रहे हैं, दोनों अच्छे खेल रहे हैं। कोई कुणाल डिजर्व भी कर, देखो मैं बताऊँ कुणाल डिजर्व करता है, संजय डिजर्व करता है क्योंकि संजय इतने दिनों बाद फाइनल में आया। नहीं संजय तो बताऊँ कैसे, संजय को 3 वीक हो गए शायद, है ना, ये कुणाल 54 days से यहाँ पे है, वो सभी बाहर जाते गए, कोई जितने बैड कार्ड आए जितने पहले से इशू थी वो भी थे तो पहले से बाहर होते रहे, तो ये 54 days तक यहाँ पे रुका हुआ है, मतलब बंदा गेम जीत भी रहा था, सही ना? सुनो संजय भी डिजर्व करता है, कुणाल भी डिजर्व करता है, कुणाल डिजर्व इसलिए करता है क्योंकि अभी तक जो भी चैलेंज हुए उसमें कुणाल लगभग फाइनल में जाता है और फाइनल में आकर हार जाता है ना, कुणाल फाइनल में जाकर हार जाता है तो इसलिए कुणाल डिजर्व करता है। संजय इसलिए डिजर्व करता है कि हर बार जो भी सीजन में छोटा बिग बॉस या फिर कोई भी चैलेंज आता है
उसके अंदर टास्क होते और वोटिंग पोल डलता है, वोटिंग पोल में डलने के कारण संजय बाहर हो जाता है। संजय नहीं, जो भी वाइल्ड कार्ड इंट्रोडक्शन, जो भी न्यू प्लेयर, वो सारे सारे वोटिंग पोल के बेस पर बाहर हो जाते हैं। तो संजय यहाँ तक पहुँच नहीं पाता, तो इसलिए संजय डिजर्व करता है, दोनों डिजर्व भी नहीं, कोई भी जीतते। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, बोलो भैया। ठीक, इधर कैमरे सामने आ जाओ। कि संजय ना एक दिन कुणाल को ऐसे बोला था कि मैं तेरे को हराना चाहता हूँ। संजय कभी भी ऐसे हराने के मकसद से मत खेलो। वो मतलब नहीं था मेरा, मेरा मतलब ये था कि मैं फाइनल में खेलूँ ना तो तेरे साथ खेलना चाहता हूँ, ये मतलब था। नहीं, ऐसे बोला था कि कुणाल तेरे को हराना चाहता हूँ, ऐसे मत देखो कि हराना है, वो करना है, इसको पीछे खींचना, ऐसे कुछ इससे स्ट्रॉन्ग हो के, इससे अच्छा हो के ना गेम प्लेयर बढ़िया बनना, यही बात है। किसी को हराने के मकसद से मत खेलो कि ऐसे कि उससे आगे कैसे जाऊँ, उससे जीतूँ कैसे, उसका हराने से मतलब नहीं, हारो जीत तो मतलब नहीं है। अपना गेम में ना 100% दो, 100% देना, दे रहे सभी दे रहे हैं, लेकिन जीतना उसकी वैल्यू होती है। रिजल्ट देखते लो, ऐसे नहीं कि हार जीत कोई नहीं देखता, हार को कोई नहीं देखता। अगर तू अगर आप ना 100% दे के हार भी जाए ना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पब्लिक रिजल्ट देखेगी, सही ना। सही, तो आपको भी यही कहना चाहता हूँ कि किसी को हराने से मतलब ना रखो, खुद जीतो, यही मतलब है। किसी को हराने से मतलब रखेंगे तभी तो जीतेंगे ना, खुद को जीतने के लिए रखो ना, हराने को मतलब उसकी तो कुछ भी कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते, किसी मेंबर को कुछ भी कर सकता है हराने के लिए। तो नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, वो गेम के अकॉर्डिंग खेलो, गेम के अकॉर्डिंग खेलो, ऐसे नहीं कुछ गलत एक्टिविटी करके उसे हरा, गेम के अकॉर्डिंग खेलो। तो अभी खुशी बताइए आपकी, बहुत खुशी हो रही है। संजय का सबसे बेस्ट गेम वो लगा जो सामने नरेस था और ये कट्टे वगैरह ऊपर रख रहे, कट्टे वाला गेम है ना, इसका मतलब बहुत अच्छे से मैनेज किया था। साइकिल बैठ ना, साइकिल वो ना, साइकिल चलाने लायक नहीं थी वो साइकिल, साइकिल वाले का तो नहीं है, बोल सकते लेकिन कट्टे वाला चलाने लायक नहीं थे। तो आपको टीम मेंबर ने बोला था मुझे, तो ये साइकिल बहुत अच्छी है, कट्टे वाला गेम है ना, रियली बहुत अच्छा था। तो अभी कितनी खुशी है, थोड़ा जाहिर कीजिए अपनी। मैं तो डांस करके जाहिर करूंगा, चलो कहां पे हो, बताओ कल फाइनल है तो देखते हैं संजय जीत के आना प्लीज, जरूर भैया, ठीक है ना। कैसे भी करके, कैसे भी करके, नहीं कैसे नहीं, मेहनत करिए, मेहनत करके जो भी गेम है टैक्स 100% उसमें देना है, 100 नहीं 200 300 कितना भी हो, जितना परसेंट हो उतना सभी देना है, ठीक है ना। ओके, बेस्ट विशेस कर दीजिए। ओके, ज्यादा बोल दिया, कैसे ये नहीं सही है, बैठिए बैठिए। तो अभी कविता, अभी आपके साथ है जी, कविता को तो आप जानते ही हो, छोटे बिग बॉस सीजन 2 में थी, जो अभी 2-3 वीक पहले ही आउट हुई थी, और सोनम को भी आप जानते हो। बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे कि वाइल्ड कार्ड एंट्री करो, वाइल्ड कार्ड एंट्री करो, कमेंट आ रहे थे। तो फिर मुझे ऑर्डर नहीं मिला, जो भी मैनेजमेंट करते हैं वहाँ से ऑर्डर नहीं मिला कि एंट्री लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो कविता, मेरे एंट्री के लिए तो बोलते भैया, रिक्वेस्ट करो आप करेंगे। कविता आप बताइए, पहले तो ये बताइए, आप छोटे बिग बॉस सीजन 2 से बाहर हो गए उसका ज्यादा गम था या फिर संजय फाइनल में पहुंच गया उसकी ज्यादा खुशी है? खुशी है संजय भैया फाइनल में पहुंच गए। अच्छा, और उसका उस टाइम बाहर हुई थी जिस टाइम संजय भैया आए थे। अच्छा, उसी टाइम आए थे। आपको लग रहा है कि अब संजय जीत सकता है? इतना सोचना क्या है, जीत सकता है, जीत सकता है, जीत सकता है या फिर जीतेगा? जीतेगा, जीतेगा। और संजय गेम कौन सा अच्छा लगा आपको? मुझे संजय भैया का सारे गेम अच्छे लगते हैं। सबसे कुणाल और संजय में स्ट्रांग कौन? दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो कुणाल को भी अपन वीक नहीं मान सकते। हाँ। कुणाल भी अच्छा खेलता है, एक भी अच्छा खेलता है, संजय भैया भी अच्छे खेलते हैं। और आप बताइए संजय गेम कहाँ पे अच्छा लगा आपको? सबसे पहले तो मैं ना छोटे बिग बॉस को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने वोटिंग पोल को हटा के बहुत अच्छा किया। अगर वोटिंग पोल होता है ना तो संजय भैया यहाँ पे नहीं होते, तो उसके लिए पहले सबसे पहले थैंक यू बहुत सारा, और फाइनल तक पहुँचे उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, और फाइनल जीतना, और मैं क्या बोलूँगी उसका जो मतलब कौन सा कहना था, सीमेंट का कट्टा था या मिट्टी का कट्टा वाला? हाँ, मिट्टी का कट्टा था ना, तो वो गेम मुझे को बहुत अच्छा लगा। और मैं गाइस एक बात देखिए, मेरे समझ में नहीं है, जो लोग वोटिंग पोल के कारण ही बच रहे थे वो वोटिंग पोल के कारण ही बाहर गए। वाह, वोटिंग पोल अपने कारण ही बाहर गए,
जो लोग वोटिंग पोल के कारण ही बच रहे थे और वो लोग वोटिंग पोल के कारण ही बाहर गए, समझा? समझे? वोटिंग पोल हटते ही बाहर गए, ऐसा कैसे? उन लोगों को ऐसा लगता था कि हमारी तो वोटिंग आ जाएगी। एक गेम मैं असेसमेंट करता था जो यहाँ पे बैठ रहे थे, तब उनकी ये प्लानिंग भी रहती थी कि मैं तो सेफ हो जाऊंगी, इसको डेंजर जोन में डाल देंगे, वोटिंग पोल में डाल देंगे, मैं बच जाऊंगा। जान बूझ कर भी वोटिंग पोल में आ जाते थे कि अपन को अपन सेफ है, अपनी वोटिंग आ जाएगी। और क्या कि इनका ये भी रहता था कि अगर कुणाल वोटिंग पोल डल जाता, इशू डल जाती थी ना, तो ये क्या कि मतलब तीन लोग आ जाते, कुणाल, इशू और पायल, फिर बीच में जैसे पायल डल गई, इशू डल गए वोटिंग पोल में, तो इनको वोटिंग की कोई नीड नहीं थी, वो बातें भी नहीं थी। ये कुणाल जाता था मेरे पास, भैया मेरे को वोट करो, मतलब सभी फ्रेंड्स और सोसाइटी में सभी जगह जाते थे कि वोटिंग के लिए मेरे को वोट करो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी ये मेंशन करना, उसको मेंशन करना, ये मोहल्ले मोहल्ले में घूम रहे थे, मैंने देखा था इनको। ये जब कॉलेज की स्कूल छुट्टी होती ना, तब वो वोटिंग पोल के लिए आगे खड़े रहते हैं, हमें वोट करो, हमें वोट करो। गाइस मैं बताता हूँ बाकी लोगों के साथ क्या होता था कि वो इधर उधर भटकते थे वोटिंग करवाने के लिए, स्कूल में, कॉलेज में, या फिर अपने रिलेटिव जितने भी है कॉल करके बोलते थे कि हमें वोट करो। और इशू, पायल, इनके साथ क्या होता था, कुणाल की वोटिंग आती है, उनके बाद थर्ड नंबर वही है, इसकी वोटिंग आ जाएगी, बाकी के अलावा कुणाल रहेगा ना, तो कुणाल टॉप पे रहेगा, इशू पायल को छोड़कर आप वोटिंग पोल में डालोगे तो वोटिंग टॉप पे रहोगे। तो इनका क्या रहता था कि कहीं पर जाने की नीड नहीं होती थी, इनको पता अपन सेफ है। तो अभी आपकी खुशी बताइए कितनी है दोनों की? बहुत ज्यादा। खुशी में कुछ कर दो, चलो ठीक है, डांस दिखाइए। कल आप सभी को आना है फिर से, है ना? हाँ, तो गाइस आज आप सभी संजय की फैमिली से मिल चुके हो, एंड सभी का क्या ख्याल है? उन्होंने आप भी संजय की तरफ से बोलिए कुछ, आप भी मुझे ना चाहता हूँ, मैं सब होस्ट करते हो तो संजय की तरफ से भी बोलिए आप। मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो मेरी ड्यूटी पे हूँ, ड्यूटी पास दो मिनट लियो, पे ड्यूटी ऑफ है, ड्यूटी ऑफ नहीं है, सुनो ये बात, नहीं ड्यूटी ऑफ है, काम होता है, फिर भी यस अभी सभी जितने भी मेंबर आए छोटे बिग बॉस सीजन 2 में, इस बार बहुत अच्छा रहा, सभी ने अच्छा खेला, और जो भी टास्क हुए उसके अंदर संजय का भी गेम अच्छा था, कुणाल का भी अच्छा था, नरेश का भी अच्छा था। अगर नरेश लास्ट वीक नहीं निकलते तो वो भी यहाँ पे टॉप 3 तक पहुँचते, और टॉप 3 के बाद यहाँ पे क्या पता फिनाले 2 में कोई और होता, कुणाल संजय होते, अगर कुणाल नरेश होता है फिर संजय नरेश होता, चेंज हो सकते थे। तो सबसे अच्छा गेम मुझे इन्हीं का ही लगा, और बाकी तो गेम में थे पर इतना कुछ मज़ा भी नहीं आ रहा था, सही बोल रहा हूँ? सही। और दोनों बेस्ट प्लेयर हैं, जो अच्छा खेलेंगे वो जीत जाएंगे। तो आप किसको सपोर्ट करें वो नीचे कमेंट करके बता देना। तो एक बार खड़े हो जाइए सभी। गाइज आपको मैं अच्छे से बता देता हूँ, मैं एमके स्टूडियो लोग छोटा बिग बॉस सीजन 2 का कल फिनाले है, फिनाले जीतने के बाद जो भी विनर होगा वो कैसे सेलिब्रेशन करते हैं, कैसे नहीं करते, वो आपको सारा सब कुछ दिखाया जाएगा। एंड फिनाले में जो भी पार्टिसिपेट थे उन सभी को आना है, एंड अपनी फैमिली मेंबर को आना है, और आप लोगों को भी आना है, सभी को आना है, एंजॉय करना है, ठीक है? कुणाल आपको भी बेस्ट भैया, कुछ मैचिंग पहन के आ सकते हैं? तो दोनों फाइनलिस्ट आ जाइए, दोनों फाइनलिस्ट अभी धक धक हो रही है, कितनी आपको कितनी धक धक हो रही है चेक कर लो, आप बताइए। वो तो रहेगी ना, तो चलो दोनों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छा खेलना, और कुणाल थोड़ा साइड हो जाए, संजय की फैमिली पूरा डांस करेगी अभी, तो गाइस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे कल फिनाले में। तो गाइस वेट करना फिनाले का, बहुत ही
अच्छा फिनाले होगा एंड मजा भी आएगा आपको एंड मिलता हूँ आपसे कल नए गेम के साथ। अभी के लिए बाय बाय।